हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत की क्लास। और जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नीति परक वाक्यों को हिंदी में लिखें। जी हाँ फ्रेंड, इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है नीति परक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल जो महत्वपूर्ण श्लोक डिस्कस किए थे, ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम नीति परक वाक्यों को हिंदी में किस तरीके से आपको लिखना है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्लस जितनी भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका षड् दोषा, ठीक है। षड् दोषा पुरसेरण हत्याब भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ शुत्रता। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, षड् दोषा यानी छह दोष कौन कौन से हैं, ठीक है। आप बस ये षड् दोषा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, मतलब छह दोष। उसके बाद है पुरसे रेह हताभ्य भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ शुत्रता, यानी ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को छह दोष त्याग देने चाहिए। अब वह छह दोष कौन कौन से हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, छह दोष जो है वो है नींद, सबसे पहला नींद। और आज के समय में अगर पढ़ने जाओ तो सबसे पहले तो नींद आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो दूसरा दोष है वो है थकान, तीसरा जो दोष है वो है डर, चौथा जो है वो है गुस्सा, पाँचवा जो है वो है आलस्य, ठीक है। नींद, थकान, ठीक है, डर, गुस्सा, आलस्य, ये क्या है, दोष है। तो इसको अगर आप त्याग देते हैं धीरे धीरे काम करना, ठीक है, ये आपके छः हो गए। यानी नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य और धीरे धीरे काम करने की आदत, ये क्या है, छः दोष है। तो अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप सभी को ये छः दोष को त्याग करना होगा, तभी आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो इसका संस्कृत जो होता है, षड् दोषाः पुरसेरणः हताभ्यः भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यं दीर्घ शुत्रता। दूसरा जो आपका है और आप सभी को याद भी हो गया होगा, दूसरा जो है ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, यानी उपयोग में न आने वाला जो ज्ञान है वो भार के समान होता है, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ये तो इजी है। तीसरा जो है कर्तव्यम ही सताम वचः, कर्तव्यम ही सताम वचः, इसका मतलब क्या होता है, यानी सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, कर्तव्यम ही सताम वचः, ठीक है। जैसे कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, उपयोग में न आने वाले जो ज्ञान हो, जो उपयोग में जो हमारा ज्ञान नहीं आता है वो भार के समान लगता है, उसी प्रकार कर्तव्यम ही शताम उचा, यानी सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है विभूषणम मौन म पंडितानम, यानी विभूषणम मौन मौनम पंडिता नाम, ठीक है। मूर्खों का सबसे बड़ा गहना जो है वो है चुप रहना ही है, यानी मूर्खों, जो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं उनका यहाँ बोला गया है कि उनका सबसे बड़ा जो गहना आभूषण है वो चुप रहना ही है, यानी विभूषणम मौनम पंडिता नाम, ठीक है। पांचवा है समय एव करोति बला बलम, समय एव करोति बला बलम, इसका मतलब क्या होता है, यानी समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। बिल्कुल ये सही है, समय एव करोति बला बलम, यानी समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल दोनों ही बनाता है। और इसका संस्कृत में हो जाता है समय एव करोति बला बलम,
ठीक है। तो ये जितने भी है आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। सातवा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती है, यानी उसके हित में भी हो और उसके बाद प्रिय भी लगे, ये दोनों एक साथ कभी संभव हो नहीं सकते। तो इसका जो संस्कृत हो जाता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ठीक है। आठवा है, यत्र नार्य अस्तु पूज्यनन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारिया पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इसका जो संस्कृत हो जाता है, यत्र नार्य अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारिया पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नौवा है, अविवेक परमा पदाम पदम, यानी अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है, ठीक है। अविवेक परमा पदाम पदम, यानी अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है। विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। तो ये तो बहुत इजी है, विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। ग्यारह नंबर है, परोपकाराय संताम विभूत्यः, यानी सज्जनों की संपदा परोपकार के लिए होती है, यानी परोपकाराय संताम विभू तयः, यानी सज्जनों की संपदा परोपकार के लिए होती है। बारह नंबर आपका प्रश्न है कि उद्योगिन पुरुषो सिंह मुँह पैती लक्ष्मी, उद्योगिन पुरुष सिंह मुँह पैती लक्ष्मी, यानी परिश्रम से ही धन की प्राप्ति संभव है। तेरह नंबर है, अंगीकृतम सुकृतनः परिपाल यंति, यानी स्वीकार की हुई बात का सज्जन पुरुष अवश्य पालन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अति दर्पे हता लंका, यानी अत्यधिक गर्व से लंका नष्ट हुई, अति दर्पे हता लंका, यानी अत्यधिक गर्व भी होना गलत ही है। अगला है आपका पंद्रह नंबर, भू भुच्छितम किम न करोति पापम, यानी भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। भू भुच्छितम किम न करोति पापम, यानी भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। शिक्षण आपका है कि अर्थ मनर्थ भाव भावय नित्यम, यानी दौलत का नशा अहितकार है। अगला है, स्वभावो दुर्ति कर्मा, यानी व्यक्ति का स्वभाव बदलना कठिन होता है, जो जिसका स्वभाव रहता है वो ऐसे ही रहता है। अगला है आपका, कतरा एव जलपंति यद्य भाव्यम तद भविष्यति, यानी कायर पुरुष ही कहते हैं जो होना होगा वही होगा देखा जाएगा। तो ये कौन कहते हैं, कायर पुरुष ही कहते हैं, यानी कतरा एव जलपंति यद भाव्यम तद भविष्यति, ठीक है। अगला है, न्यायात पथ विचलंती पदम न धीराः, यानी सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। न्यायात पथ विचलंती पदम न धीरा, यानी सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। अगला है, ताज्यम न धैर्य विधरे अपि काले, यानी विपत्ति में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। 21 है, पदम ही सर्वत्र गुणय निर्धीयते, यानी गुण स्वयं अपना सम्मानजनक स्थान क्या है बना लेता है। 22 आपका है, जल बिंदु निपातनेन क्रमशः पूर्यते घटा, यानी एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातनेन क्रमशः पूर्यते घटा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। 24 है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर धर्म को साधने का माध्यम है। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी यह पृथ्वी
यह पृथ्वी वीर पुरुषों के लिए भोगनीय है। 26 है पयः पानम भुजगानम केवलम विषवर्धनम, यानी सर्प को दूध पिलाना केवल उसका जहर बढ़ाने के समान है, अर्थात कुटिल व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ते अथवा अगोड़े के पास भी गुड़ जो होता है वो दोष में बदल जाता है। तो यही इसका हो जाता है पयः पानम भुजगानम केवल विषवर्धनम। ठीक है, 27 है यादृशी भावना यस्य सिद्धि भर्वती तादृशी, यानी जो जैसी भावना रखता है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, यादृशी भावना यस्य सिद्धि भर्वती तादृशी। ठीक है, अगला है आपका 28 कुपुत्रो जायत क्वचित दपि कुमाता न भवती, यानी पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यही होता है कुपुत्रो जायत क्वचित दपि कुमाता न भवती। 29 आपका है महाजना येन गतः स पंथा, यानी सज्जन लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता जो होता है श्रेष्ठ होता है। 30 है नहीं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, यानी ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस पृथ्वी पर और दूसरी नहीं है। 31 है अस्तो या सद्गम्य, यानी अर्थात ईश्वर मुझे असत्य की ओर से हटाकर सत्य की ओर ले चलिए, यानी अस्तो या सद्गम्य। अगर आप इसको डेली मतलब कि डेली रूटीन में अगर एक से दो डेली इसको पढ़ते हो और इसका यूज करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, अगला है हित मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी हितकारी एवं मनोहर जो हमने डिस्कस किया था ऊपर वाला सेम वही है। आपका 33 है ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्यु मया धन इनोह ब्रह्मचर्य देवो भयो स्वरा भरत, यानी जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने प्रकाश से अंधकार दूर करके उत्तम पदार्थ प्रकट करते हैं उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य के द्वारा रोग आलस्य निर्धनता और आदि को हटाकर मोक्ष सुख प्राप्त करे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, हम जितने भी ये नीति परक वाक्य हिंदी में है इसको हम जितने भी शेष रह जाते हैं कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जितने भी हमने ये आई थिंक हमने 30 डिस्कस किए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 33 डिस्कस किए, तो आप बहुत ही अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा और हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम 10 बजे वाली क्लास में। ठीक है, और आज जो टेस्ट रहेगा वो टेस्ट रहेगा आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।